पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हम पहले पनीर भुर्जी के मसाले जो हमें चाहिए होंगे उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा टमाटर ले रहे हैं तो 3 भी ले सकते हैं। एक शिमला मिर्च है, लहसुन और अदरक है जिसका हमें पेस्ट बनाना है। आप लहसुन और अदरक को सिमामदस्ते में डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए अच्छे से कूट कर। ये जो हमने लिए हुए थे इन्हें आप बारीक बारीक कट के चॉप कर लीजिए। आराम से बारीक बारीक सबको कट करके रख लीजिए। उन सबको बारीक कट करने के बाद में अब ये 250 ग्राम पनीर हमने लिया है पनीर भुर्जी बनाने के लिए, आप इसको ऐसे लीजिए और कद्दूकस में कद्दूकस कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कद्दूकस करना है। आप चाहे तो इसको हाथ से भी एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, लेकिन आप कद्दूकस करेंगे तो आपका जो पनीर है वो खिला खिला रहेगा और एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो आप ऐसे करते हुए देखिए, इस तरीके से आपको सारा पनीर कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए हमने सब कट करके रख लिया है, प्याज, शिमला मिर्ची, ये आपका अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर, और ये पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो ये प्रिपरेशन करने का एक बेनिफिट आपको हमेशा यही होता है कि जब आप सब्जी या कुछ भी डिश बनाते हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है और बहुत इजीली बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। अभी हमने दूसरी साइड गैस पे कढ़ाई रख दी है, ठीक है, फ्लेम ऑन कर दी है, ये कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये आपका सनफ्लावर ऑयल है, ये 2 चम्मच मैं ले रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से क्या है, सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो आप इसमें मिक्स कर दीजिए, और सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब इसमें आप जीरा डालें तो उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब तक आपकी आँखें ना जलने लग जाए ना तब तक सरसों का तेल गर्म नहीं होता है। तो आप इसको पहले थोड़ा 2 मिनट गर्म होने दीजिए, फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। तेल देखिए गरम हो चुका है, इसमें धुआं आने लगा है और खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा डालने के बाद में इसको तड़कने दीजिए अच्छे से। जब हमारा जीरा तड़क जाएगा और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। और इसको हल्का सा भूनेंगे तब तक प्याज की कच्ची स्मेल चली जाए। ज़्यादा आपको इसको नहीं भूनना है, प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए 2 मिनट पकाने के बाद में हमें इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, ये 1 चम्मच पेस्ट हमने बनाया था। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मिला देंगे और इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए वापस इसको पकाएंगे। ऐसे अच्छे से इसको हिलाते हिलाते आप पका दीजिए, क्योंकि ये सब बारीक कटा हुआ तो जल्दी पक जाएगा। अगर आपने थोड़ा साइज़ मोटा रखा है तो पकने में उसको टाइम लगेगा। देखिए 2 मिनट हमने इसको चला लिया है। अब हमें इसमें टमाटर ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। टमाटर को ना हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है बहुत अच्छे से, तब तक ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। हमने प्याज को और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि जब भी हम ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाते हैं ना तो उसमें जो सब्जियां होती हैं वो खड़ी होती हैं, ज़्यादा सॉफ्ट वो लोग नहीं करते हैं। तो हम उसी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हमने प्याज को और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाया है, लेकिन टमाटर को अभी हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, तब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमारा मसाला जो है थोड़ा पकने आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। आप भी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करिए, उससे कलर अच्छा आएगा आपकी सब्जी का। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा चाहिए तो। मैं कम तीखा बना रही हूँ तो इसलिए मैं 1 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। और इसको अभी हमें मिक्स कर देना है अच्छे से।
इसको मिलाने के बाद में आपको इसको 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि जो आपका ऑयल है ये सब्जी में ऊपर दिखने लग जाए। ये देखिए इसमें टमाटर पक गए हैं और जो तेल है आपका ऊपर आ गया, आपको दिख रहा है तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब आपका मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर इसकी ग्रेवी थिक रखनी है तो आप कम पानी डालिए, और ग्रेवी ठीक से रखनी है तो आप इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद में अब हमें इसे 5 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे जिससे कि जो ये सब्जी है हमारी वो अच्छी तरह से सब पक जाएंगे। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद में हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। मैं ये 50 ग्राम बटर ले रही हूँ। आप चाहे तो बटर पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टाइम पे मसाला पकने के बाद में बटर डालेंगे ना, आपकी पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, समझ लीजिए डबल ही हो जाएगा। तो अब इसको डाल के बटर को इसको आपको मेल्ट कर देना है अच्छे से। बटर हमारा धीरे धीरे इसमें मिक्स हो रहा है। इसमें देखिए पनीर भुर्जी की जो ग्रेवी हमने बनाई है इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया। अगर आप 2 चम्मच तीखा खाने वाले हैं और 2 चम्मच डालेंगे तो और अच्छा कलर इसका खिल कर आएगा। इसके बाद में हमें इसमें ऐड करना है ये जो हमने कद्दूकस करके पनीर डाला रखा हुआ था वो हम इसमें मिला देंगे। डालने के बाद आपको इसमें इसे अच्छे से मिला देना है। पनीर की कोई भी वैरायटी हो, कोई भी सब्जी हो, सबको खाना पसंद होता है, और इस स्टाइल से आप पनीर भुर्जी बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए पनीर ऐड करने के बाद में हमें इसमें ऐड करना है ये कस्तूरी मेथी है 1 चम्मच, ये आपको इसमें डाल देनी है। कस्तूरी मेथी से किसी भी सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है तो आप इसे डालें, और अगर आपके पास में नहीं अवेलेबल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, इसको मिक्स कर देंगे और इसको अभी हमें ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट इसको हमने पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और धनिया डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में आप फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसे ले लीजिए, हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। ये हमारी टेस्टी और गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।